मैं जितेंद्र मीणा, प्रवक्ता, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से, फर्स्ट ईयर को आज डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, डेसिमल एक नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 9 नंबर्स होते हैं, जो कि नंबर 10 है, इसका बेस 10 होता है। ऑक्टल ये भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 7 नंबर्स होते हैं, जो कि 8 है, इसका बेस 8 होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डेसिमल नंबर 45 है तो इसको इस तरह शो करेंगे। इसको अपने को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको इस तरह शो किया जाता है। अब कैसे करेंगे, 45 जो नंबर है उसको यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ इसका भाग दिया जाएगा 8 से 8। जैसा कि हम जानते हैं, 8 की टेबल में 45 कितनी बार आता है, ऐसा अपन देखेंगे। इसमें 8 5 जा 40, तो 5 टाइम्स गया, 40 गया, रिमाइंडर 5 बचा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है कि जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे से लेके इसको ऊपर की तरफ लिखा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से एक आ गया 45/10 को कन्वर्ट किया अपन ने ऑक्टल में इस तरह से। यहाँ पर जो नंबर है 45, यह है डेसिमल है और जो 55 रिजल्ट आया है यह है ऑक्टल नंबर है। बच्चों, इस तरह से हम डेसिमल से ऑक्टल करते हैं। अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शन नंबर्स है, जैसे 45.25 डेसिमल है, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। जैसा पूर्व में हमने देखा, 45 का तो अपन कर लेंगे, पर जो फ्रैक्शन वाला है इनको कैसे किया जाएगा। फ्रैक्शन में सबसे पहले उस नंबर को लिखा जाएगा जो अपने को करना है, इसको जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट आएगा 8 इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो अब 2 के पार पॉइंट लगाना है। अब अपने को क्या करना है, ये जो पॉइंट से पहले की वैल्यूज है, ये 0 0, इसके बाद जो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको अपन लिखेंगे, और जो बाकी जो ये बचा हुआ है उसको दोबारा यहाँ पे नीचे की तरफ लिख देंगे 0.00 × 8। किसी भी चीज़ को 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, इसलिए 0। तो इस तरह नंबर कन्वर्जन 0.25 फ्रिक्शन है जो अपना, इसका ऑक्टल हुआ 2। अब पूरा देखेंगे, 45.25 10 इज कन्वर्ट इनटू 55.28। इस तरह से यहाँ पे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। धन्यवाद।